हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी व्हाट्सएप की ऑनलाइन और लास्ट सीन को कैसे हाइड करके रख सकते हो। दोस्तों, अभी तक व्हाट्सएप पर ये सेटिंग्स करने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना पड़ता था, लेकिन व्हाट्सएप पर अभी एक न्यू सेटिंग्स आया है। इस सेटिंग्स को करके आप अपनी व्हाट्सएप की ऑनलाइन और लास्ट सीन को हाइड करके रख सकते हो। दोस्तों, अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं होगा, आप व्हाट्सएप पर सेटिंग्स करके ये काम कर सकते हो। दोस्तों, ये ट्रिक्स को जानने के लिए आपको वीडियो को स्किप न करके एंड तक देखना पड़ेगा। और इस तरह की और भी न्यू अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहां से शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, तो व्हाट्सएप की ऑनलाइन और लास्ट सीन को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है सेटिंग्स का, उस सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन है अकाउंट का, उस अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको लास्ट सीन एंड ऑनलाइन पर क्लिक करना है। लास्ट सीन एंड ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, और उसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एवरीवन सेम एज लास्ट सीन, तो यहाँ पर आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई देगा सेम एज लास्ट सीन, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपका व्हाट्सएप का ऑनलाइन और लास्ट सीन किसी भी पर्सन नहीं देख पाएगा। दोस्तों, आप भी किसी भी दूसरे पर्सन का व्हाट्सएप की ऑनलाइन और लास्ट सीन नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से अपना व्हाट्सएप की ऑनलाइन और लास्ट सीन हाइड करके रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर यह सेटिंग्स नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आपको व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेंजर शो होगा, और यहाँ पर आपको एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कर देना है। मैं अपना व्हाट्सएप को पहले अपडेट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर अपडेट नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। और अपडेट करने के बाद आपका व्हाट्सएप पर यह सेटिंग्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।